हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास सिक्स ज्योग्राफी चैप्टर फोर मैप के बारे में। हमने जैसे कि पहले चैप्टर में जाना ग्लोब के बारे में, अर्थ की रोटेशन के बारे में, रेवोल्यूशन, रोटेशन, क्या क्या चेंजेस आते हैं, डे एंड नाइट, सीजन्स, ये सब हमने जाना था। आज हम बात करेंगे ग्लोब्स और मैप्स के बारे में। ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस है, एटलस के बारे में, मैप्स के बारे में, फिजिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप, डोमेटिक मैप, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स एंड मैप्स और प्लान में डिफरेंस क्या होता है। ओके, जैसे कि हमने हमें पता है, अगर हम ग्लोब की स्टडी करते हैं एज अ होल, तो हमें इतनी नॉलेज मिलती है कि कंट्रीज़ के बारे में पता चलता है। ग्लोब अगर हम देखते हैं तो उसमें हम अर्थ के बारे में पता लगाते हैं कि कंट्रीज़ क्या क्या हैं। जैसे कि हमें सिर्फ ये पता चलता है कि इंडिया कहाँ पे है, अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब। लेकिन अगर हम स्टडी करना चाहते हैं एक पार्ट के बारे में, इट मीन्स अगर हम सिर्फ कंट्री के बारे में पता करना चाहते हैं, तो हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें स्टेट्स के बारे में जानना है, एक कंट्री के डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स, वहाँ पे विलेजेस क्या क्या हैं, कौन कौन से विलेजेस हैं, ये सब के बारे में हमें जानना है, तो मैप जरूरी होता है। अब मैप होता क्या है? मैप रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ फ्लैटन सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। स्केल के बारे में हम अभी आगे जानेंगे। मैप बस इतना पता चलना चाहिए, जैसे कि एक फ्लैटन सरफेस है, एक पेपर लिया हमने, उसको हमने ग्लोब की बजाय एक पेपर में रिप्रेजेंट किया कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में अगर हमें जानना है, तो हमने मैप में ड्रॉ कर दिया इंडिया। फिर उसमें स्टेट, विलेजेस, उसके अंदर के टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट, ये सब हमें मैप में ऐसे पता चलते हैं। जब हम फ्लैटन सरफेस में उतारते हैं, एक ड्रॉ करते हैं, उसे मैप कहा जाता है। ओके, स्केल की मदद से। अब वो स्केल क्या है आगे हम जानेंगे, बट इसके बाद हम जानते हैं मैप जो होता है वो यूज़फुल कैसे होता है। जैसे कि अगर हमें स्मॉल एरिया के बारे में पता करना है, तो मैप हमें मदद करता है। अगर हमें जैसे कि कंट्री के बारे में, अगर एक कंट्री है इंडिया, उसके बारे में हमें जानना है, वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, उस इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन सी बड़ी नदियाँ, मार्केट्स, ये सब के बारे में हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ग्लोब में देखें, तो हमें सिर्फ एक कंट्री, सिर्फ सिर्फ एक छोटी सी कंट्री ही दिखाई देती है। ओके, और ये एटलस क्या होता है? अगर हमें मैप्स के बारे में पढ़ना है, तो एटलस हमें इम्पॉर्टेंट है। एटलस होता क्या है, देखिए, ये एक एटलस है, एक सेकेंड, ये आप देख रहे हैं, ये एटलस है, ये एक बुक है। इसमें हमें पता चलता है मैप्स की एक एक चीज के बारे में। ओके, जैसे कि हमने एटलस हमें अपने पास रखनी चाहिए, उसमें हमें एक एक कंट्री के बारे में बहुत गहराई से पता चलता है कि एक कंट्री में क्या क्या है। जैसे हमें यूरोप, एशिया, उन सब में भी हमें देखना है कि यूरोप, एशिया में क्या क्या है, वो एटलस में दिखाई देता है। ओके, एटलस वेरियस साइज की होती है, मेजर्स की जाते हैं डिफरेंट स्केल से। ओके, मैप्स प्रोवाइड करता है मोर इन्फॉर्मेशन ग्लोब से ज़्यादा। जैसे कि आपको बताएं, ग्लोब में सिर्फ हम कंट्री देखते हैं, मैप में हम कंट्री के अंदर क्या क्या है वो भी हम देख पाते हैं, इसीलिए मैप ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। अब हम जानते हैं सम आर डिफरेंट टाइप्स के बारे में, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और डोमेटिक मैप क्या क्या होता है। फिजिकल मैप एक ऐसा मैप होता है जो नेचुरल होता है, जैसे कि प्रकृति के दिया हुआ जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स कहाँ कहाँ हैं, प्लेट्यू, प्लैंस, रिवर्स, ओशियंस, इन सब के बारे में, ये प्रकृति की दी हुई चीज़ें हैं। माउंटेन्स हमने, इंसानों ने नहीं बनाई हैं, वो प्रकृति ने खुद ही, माउंटेन्स, प्लेट्यू, रिवर्स, प्लेन्स, ये सब प्रकृति ने ही बनाए हुए हैं। तो फिजिकल मैप में ये दर्शाया जाता है कि मैप में माउंटेन्स कहाँ हैं, प्लेट्यू कहाँ हैं, प्लेन्स, रिवर्स, ये सब कहाँ हैं, ये सब फिजिकल मैप में आ जाता है। पॉलिटिकल मैप की बात करें, जो सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, जो इंसानों ने बनाए हैं,
इंसानों ने सिटी बनाई है, टाउन बनाए हैं, विलेजेस बनाए हैं, ये सब पॉलिटिकल राजनीति की तरफ से आते हैं। बाउंड्रीज में कि उनकी बाउंड्रीज क्या क्या हैं, किसी की सिटी की बाउंड्री जाननी है, किसी सिटी में विलेजेस क्या कौन से हैं वो जानने हैं, तो हमें पॉलिटिकल मैप की ज़रूरत पड़ती है। थीमेटिक मैप में ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि रोड्स, रोड्स के बारे में जानना, रोड मैप, रेनफॉल कहाँ हुई है ये सब हम जानते हैं कि रेनफॉल कहाँ कहाँ हुई ज़्यादा इस साल, डिस्ट्रीब्यूशंस करना फॉरेस्ट का, कहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ बनाई गई, ये सब थीमेटिक मैप में आता है। ये तीनों में यही डिफरेंस है। ओके, आगे हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप 3 टाइप्स के होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शंस और सिंबल्स। अब हम जानते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है, मैप में एक ड्राइंग की जाती है जिसमें बताया जाता है रिड्यूस करके इंटायर वर्ल्ड मैप में एक शीट ऑफ पेपर लेते हैं, उसमें हम डायरेक्शंस ड्रॉ करते हैं रिड्यूस करके स्केल से। स्केल मतलब एक हम स्केल नापेंगे, जैसे कि मैप में कोई चीज़ अगर हमें छोटी एरिया में दिखाई दे रही है तो एक्चुअल में वो बहुत बड़ा डिस्टेंस में होगी। अगर हमें मैप में छोटा सा डिस्टेंस दिखाया जा रहा है, जैसे हमें दिल्ली से मुंबई जाना है तो हमें सिर्फ 5 किलोमीटर डिस्टेंस हमें दिख रहा होगा मैप में, बट एक्चुअल में दिल्ली से मुंबई में बहुत दूर है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैप में 5 किलोमीटर है तो एक्चुअल में 500 किलोमीटर दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्केल है क्या, स्केल एक रेशियो में बांटा गया है बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस और डिस्टेंस जो हम मैप में बनाते हैं। एक्चुअल डिस्टेंस वो होता है जो एक्चुअली में डिस्टेंस होता है, मतलब एक्चुअल में उसमें डिस्टेंस कितना है, मगर अगर हम मैप में उतारें तो वो छोटा दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करने पर हम एक स्कूल और घर का डिस्टेंस नापेंगे, मगर एक्चुअल में हमारा अगर हम देखें स्कूल और घर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, मगर मैप में उसे 2 किलोमीटर रेशियो में रख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 किलोमीटर एक्चुअल में है और 2 किलोमीटर हमने मैप के हिसाब से रख दिया, तो हम स्केल से नापेंगे कि ये कितना है, 2 किलोमीटर है। इसका मतलब 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अगर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर कितना दर्शाया जाएगा, 5 किलोमीटर रेशियो में रखा जाता है। अगर हमें 1 किलोमीटर नापना है तो एक्चुअल में उसका डिस्टेंस कितना निकल गया, 5 किलोमीटर। ऐसे हम नापते हैं, रेशियो वाइज हमें नापते हैं, उसे कहते हैं डिस्टेंस। एक्चुअल में उसका डिस्टेंस अलग होता है और अगर हम मैप में बनाएं तो डिस्टेंस छोटा दिखता है। ओके, वेन अ लार्ज एरिया, लाइक अगर हम लार्ज एरिया देखें कॉन्टिनेंट कंट्रीज, उसमें क्या करते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं ये हम देखते हैं। कि जैसे कॉन्टिनेंट और कंट्री के बारे में हमें देखना है तो मैप में अगर हमें किसी कंट्री के बारे में जानना है, जैसे कि इंडिया से हम चले जाएँ अमेरिका, ऐसे हमें सिर्फ एक कंट्री के बारे में जानना है तो मैप में क्या दिखाया जाएगा, 5 किलोमीटर। सिर्फ और सिर्फ छोटा सा डिस्टेंस हमें मैप में देखने को मिलता है, मगर एक्चुअल में उसकी दूरी कितनी होती है, 500 किलोमीटर। क्योंकि कंट्री के अंदर बहुत कुछ है तो वो बहुत बड़ा होगा, मगर हमने सिर्फ एक कंट्री ही सर्च की है, 500 किलोमीटर में वो बहुत दूर में, एक्चुअल में कंट्री में स्टेट्स आ गए, कंट्रीज में डिस्ट्रिक्ट आ गई, मार्केट्स, माउंटेन्स और क्या रिवर्स, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है, बट हमने क्या किया, उसको स्मॉल स्केल में ट्रांसफ़र कर दिया। सिर्फ स्मॉल स्केल में मतलब कि स्मॉल प्लेस दिखाया गया 5 सेंटीमीटर, एक्चुअल में उसमें 500 किलोमीटर दूरी है। अब हम बात करते हैं लार्ज स्केल मैप की। लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, अगर हमें विलेज के बारे में जानना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में कोई छोटा सा विलेज है, हमें दिल्ली से अपने गांव जाना है, अगर हमें दिल्ली से अपने गांव जाना है तो हमें सिर्फ गांव के बारे में पता चलेगा, मतलब कि लार्ज इंफॉर्मेशन मिलेगी, लार्ज मैप में लार्ज इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि हमने क्या किया, 500 मीटर में
उसमें ओनली ग्राउंड है, एक्चुअल उसका 500 मीटर है, मगर हमने मैप में छोटा सा ही दिखाया। अगर हम एक विलेज के बारे में देखें तो उसमें क्या क्या हमें पता चलेगा, वहाँ पे स्कूल्स हैं, विलेज में स्कूल्स आ गए, रिवर्स आ गई, कौन कौन सी मार्केट्स हैं उस विलेज में, क्या क्या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सब विलेज में पता चलता है। मतलब कि विलेज में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, ये होता है लार्ज स्केल मैप, जिसमें हमें लार्ज स्केल मैप में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है स्मॉल स्केल मैप के द्वारा, उन दोनों के डिफरेंस में। ओके, डायरेक्शंस, डायरेक्शंस पहले हमने देखा कंपोनेंट्स में, फर्स्ट डिस्टेंस है, सेकंड क्या है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस क्या होती हैं, जो कि लेटर एन से दिखाई जाती है। मतलब कि क्या है, मतलब जैसे आपको यहाँ दिख रहा है इधर नॉर्थ में डायरेक्शन में, ये एक मैप में दिखाया गया है कि इधर क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, मतलब एन से डोनेट किया गया है। डायरेक्शन मतलब होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इसको हम एक कंपास से, एक कंपास से पता चलता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट वेस्ट ये सब किधर है। मतलब कि देखो, अगर हमें नॉर्थ का पता चल गया तो हमें अपने आप ही ईस्ट वेस्ट साउथ का पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है नॉर्थ डायरेक्शन, जहाँ पे हम खड़े हैं उधर से हम देखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन अगर सामने है तो उसके राइट हैंड साइड में हमें अपने आप पता चल जाएगा राइट हैंड साइड में क्या है, ईस्ट है, और इसके पीछे साउथ है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें वेस्ट पता चल जाएगा। ऐसे अगर सिर्फ नॉर्थ पता करने से हमें सारी दिशाओं का पता चल जाता है। इस सबको क्या कहा जाता है, कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये सब क्या होते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। और अगर हम देखें इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ये जो दिख रही हैं ये क्या है, इंटरमीडिएट मतलब कि इनकी बीच की दूरी। नॉर्थ ईस्ट से अगर हम देखें तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये बीच की दूरियाँ हमें इससे पता चलती हैं। जैसे कि अगर हम इस देखें, इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है, यहाँ पे शॉप, दुकान, कम्युनिटी सेंटर, थ्री प्लेग्राउंड, यहाँ पे सब पता चल रहा है कि किस दिशा में, नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, ये सब हमें पता चल रहा है। तो इसीलिए जैसे विकास हाउस यहाँ है, शीला हाउस, ये सब हाउस है। ओके, वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की हेल्प से भी हम पता लगाते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक निडल होती है वो नॉर्थ और साउथ को दर्शाती है। कंपास एक तरीके का नॉर्थ साउथ का दर्शाता है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, कंपास है, जो क्या कर रहा है, नॉर्थ और साउथ को दर्शा रहा है। ओके, नॉर्थ और साउथ का पता चल गया तो हमें अपने आप ही ईस्ट और वेस्ट का पता चल जाएगा, ये कंपास है। ओके, इसी से हम पता लगाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये मैग्नेटिक होता है जो अपने आप ही अपनी डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ को मैग्नेट की तरह पता लगा लेता है कि किधर साउथ है किधर नॉर्थ है। ओके, आगे चलते हैं सिंबल्स में। इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट सिंबल। फर्स्ट क्या था, डायरेक्शंस, डिस्टेंस, अब ये क्या है, थर्ड सिंबल। सिंबल कैसे पता चलते हैं, ये जो आप देख सकते हैं सिंबल्स हैं। सिंबल्स ये दर्शाता है कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो, यहाँ से इंडिया से अगर हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, अगर हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं पता है, वहाँ की भाषा नहीं पता है, हम कैसे पता करें कि कहाँ पे उस कंट्री में रेलवे लाइन है, रोड है, बाउंड्री है, रिवर है, टेंपल्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो ये सिंबल्स मैप में दिए जाते हैं, जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं किसी भी कंट्री में क्या क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें रेलवे लाइन देखनी है तो मैप में ये लाइन खींची भी मिल जाएंगी आपको, मैप में जहाँ पे ये लाइंस मिलेंगी वहाँ पे समझ जाओ रेलवे लाइंस हैं, ये ऐसे ये बाउंड्रीज के निशान हैं, ये क्या है, रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ये सब सिंबल्स दिए जाते हैं, जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ पर मिल जाएगी। ये जो ये पूरे ही कंट्री में सब जगह इन्होंने एक बैठक थी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा, सब कंट्रियों ने एक मीटिंग बिठाई थी जिससे ये बता था कि सब ही इसी सिंबल को मानेंगे।
हर जगह आपको यही सिंबल मिलेंगे, जैसे कि पोस्ट ऑफिस का सिंबल होगा PO, ओके, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस PTO, पुलिस स्टेशन PS, ऐसे ट्री के निशान, और ये क्या है, ब्रांच, ट्री, ग्रास, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इनको क्या कहा जाता है, दीज सिंबल्स को कहा जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स। क्या कहा जाता है, कन्वेंशनल सिंबल्स, जहाँ पे ये सिंबल्स आपको, इसकी मदद से आप पता लगा सकते हो एरिया वाइज क्या क्या इंफॉर्मेशन है मैप में, ये सब हमें पता लग जाता है, ओके। इसकी कलर्स, जैसे यहाँ पे लिखा है वेरियस कलर्स, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे जनरली ब्लू जो होता है वो किसके लिए दर्शाया जाता है, वाटर के लिए, माउंटेन्स ब्राउन होते हैं, येल्लो प्लेट्यू होते हैं, ग्रीन क्या होते हैं, प्लेन्स, प्लांट, ये सब से दर्शाया जाता है, ठीक है, ये होते हैं सिंबल्स। अब बात करते हैं स्केच की। स्केच क्या होता है, इसके जनरली एक रफ होता है, एक रफ, जैसे मैप तो हमारे रेशियो वाइज हम नापते हैं, एक्चुअल स्केल से हम नापते हैं मैप को, बट स्केल, स्केच क्या होता है, स्केच को हम एक रफली तरीके से नापते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में फ्रेंड्स क्या बात करते हैं कि तुम्हारा घर किधर है, ऐसे हम बात करते हैं कि अपना घर अगर हमें बनाना हो तो हम क्या करेंगे, एक कॉपी में स्केच बना लेंगे, एक डब्बा बॉक्स, उसमें हम बता देंगे यहाँ पे स्कूल है, स्कूल के सामने एक शॉप मिलेगी, शॉप के बगल में एक गली जाती है, गली में एक बड़ा सा गार्डन है, उसके सामने ही मेरा घर है, ऐसे हम रफ स्केच बना के अपने फ्रेंड से स्केच स्केच मतलब घर घर जैसे पता लगा सकते हैं किसका घर क्या है, ये सब स्केच होता है, ये स्केच, रफ स्केच, इसको हम स्केल की मदद से नहीं करते, ओके, ये क्या होता है, रफ होता है, ठीक है। अब प्लेन क्या होते हैं, प्लेन और मैप में क्या डिफरेंस है, मैप जो होता है वो तो एक्चुअल मतलब रेशियो निकाला जाता है, जैसे कि अगर कोई चीज़ 500 किलोमीटर है तो मैप में उसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इस तरीके से हम नापते हैं स्केल से, ओके, 2 किलोमीटर है तो मतलब कि 500 है, और अगर 1 किलोमीटर नापना है तो वो क्या हो गया, 100 किलोमीटर हो गया, ये रेशियो हो गया। मगर प्लेन, प्लान क्या होते हैं, जो एक्चुअल अगर हमें देखा जाए स्केल से एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, इसमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन, जैसे हमें घर का बाउंड्री नापनी है, घर की बाउंड्री में हम एक स्केच, एक वो बनाएंगे, एक ड्रॉ बनाएंगे, एक प्लेन पेपर में एक बॉक्स बनाएंगे, वहाँ पे दिखाएंगे कि क्या है हमारी बाउंड्री घर की, 100 होनी चाहिए, 100 इस दीवार में होनी चाहिए, नॉर्थ तरफ 100, साउथ तरफ 100, साउथ तरफ, वेस्ट तरफ, ऐसे हम एक बाउंड्री टाइप बना देते हैं, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ऐसे जब हम बाउंड्री बनाते हैं, लेंथ ब्रिथ रूम की जब नापते हैं ना, लेंथ ब्रिथ, तो वो एक्चुअल होती है, मतलब कि उसमें कोई रेशियो नहीं होता, वो एक्चुअल ड्रॉ की भी हमारी प्लान होता है, जो हम घर के लिए यूज़ करते हैं, लेंथ ब्रिथ ये सब के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। ये सब, आई होप आपको ये लेक्चर, ये चैप्टर भी समझ आ गया होगा, अगर आपको समझ आया डू लाइक सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।